जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, वीडियो मैंने दोपहर सी को ही शुरू कराया है क्योंकि बच्चों को ट्यूशन जाने से पहले तैयार करना है। तो ये देखिए, आज मैंने बाल किस तरह बनाए हैं। तो देखिए कितनी प्यारी छोटी लग रही। मैंने कहा चलो कुछ अलग सा ट्राई करते हैं। तो बस ये इस तरह के बाल बना लिए थे। तो बच्चों को ट्यूशन भेजना है तो उनके लिए एप्पल काट देती हूँ। तो यहाँ देखिए, बच्चों के लिए एप्पल काटने लगी थी क्योंकि बच्चे खा के ट्यूशन चले जाएंगे ना, फिर आके दूध दाद ले लेंगे। तो ये देखिए, मैं उनके लिए एप्पल काटने लग रही हूँ। और ये है ना कि बच्चों को कुछ खाने के ट्यूशन जाने के टाइम पे बनाना हुआ या कुछ भी चीज़ दे देती हूँ ना, काट के ट्यूशन खा के चले जाते हैं तो अच्छा रहता है बच्चों को। तो ये देखिए, मैं छील के ही काटती हूँ क्योंकि ये मेरे बच्चे ना एप्पल ऐसे ही पूरा नहीं खाते, छील के ही खाते हैं। तो उनके लिए देखिए, मैं छील के फटाफट से काट देती हूँ। और फिर ये है ना, बच्चों के मुँह हाथ भी धो दिए हैं, क्या क्या धो लेंगे, कपड़े वगैरह बदलना है तो कपड़े बदल लेंगे। फिर ये है ना कि बच्चे अच्छी तरह ट्यूशन पी के चले जाएंगे तो टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि 2 घंटे तो उन्हें अभी ट्यूशन में ही लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद उनका चाय दूध का ही टाइम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से छील के काटती हूँ। और पहले मैं ठाकुर जी को भी भोग लगा दूँगी फ्रेंड, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं या कुछ फल वगैरह काटते हैं तो हम पहले ठाकुर जी को खिलाते हैं। तो यह देखिए वाला भी छील दिया है, फटाफट से काट के दियाती हूँ उन्हें मैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो देखिए सब कट चुके हैं, पहले ये दी आती हूँ फिर और आके काटूँगी। तो चलिए दे के आते हैं बच्चों को। तो देखिए मेरे बच्चे जाने लगे हैं ट्यूशन और खा चुके हैं एप्पल। तो ये देखिए बेटा भी जा रहा है मेरा। तो यहाँ देखिए, बच्चों को ट्यूशन जाने के बाद मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैं सोच रही थी कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ। और 2-3 साड़ी भी हो रही थी, इसके पापा के भी हो रहे थे बच्चों के। तो यहाँ देखिए मैं कितने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने, बस ये लास्ट बुर सेट रह गई थी। तो मैं इनके फटाफट से इसे भी प्रेस कर देती हूँ। जब टाइम बचता है ना अपने पास तो सोचते हैं ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो। तो देखिए फटाफट से मैं बुर सेट प्रेस कर दूँगी। और मैं बटन वगैरह लगा के बंद करके रखती हूँ फ्रेंड, क्योंकि अगर वैसे टांग के रखो ना तो ऐसा लगता है प्रेस ही नहीं हुई। अगर तय करके कपड़े रखो ना तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैं बिल्कुल अच्छी तरह से तय वगैरह करके रखती हूँ कपड़े उनके प्रेस करके। तो ये है ना कि एकदम उठा लो और पहन लो, ये नहीं कि अभी प्रेस करके दूँगी जब ही पहनने जाएंगे। और वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो निक्कर टी शर्ट ही पहनते हैं, हाफ वाला जो निक्कर आता है फ्रेंड। तो ये देखिए, जब कहीं जाना होता है, जब ये जींस वगैरह ये टी शर्ट या बुर सेट वगैरह डालते हैं वे। तो ये देखिए फटाफट से हो चुकी है। तो इसे करती हूँ फटाफट से तय और फिर कपड़े रखती हूँ जहाँ पर मुझे अपने रखने हैं या इनके सेप में रखने, जहाँ जहाँ रखने हैं जिसके कपड़े रख दूँगी। तो फटाफट से लगाते हैं इसकी तय बुर सेट के। देखिए मैं किस तरह बुर सेट तय करती हूँ, इस तरह बुट सेट तय करके रखते हैं ना तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए इस तरह से पकड़ा और ये यूँ कर दिया और आस्तीन भी बिल्कुल इस तरह एक सारे बिल्कुल। तो ये देखिए मैंने कर दिया ना, इस तरह ही मैं बुट सेट की तय करके रखती हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए बिल्कुल रखिए ना एक सार करके अच्छी तरह से, हल्की सी प्रेस फेर दूँगी। देखिए मैं जब भी तय करती रहती हूँ ना तो हल्की हल्की प्रेस फेरती रहती हूँ फ्रेंड। तो देखिए कितनी अच्छी तरह बुट सेट तय हुई है। तो चलिए रखते हैं सारे कपड़े अपनी जगह पे। तो कपड़े वपड़े प्रेस करने के बाद हमने बना ली है शाम की चाय। बच्चे भी इतने ट्यूशन से आ गए थे तो बच्चों को दूध दे दिया है, बच्चे ने दूध पी लिया, अब हम लोग भी चाय पी रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए चाय पी के खाने की तैयारी करती हूँ मैं फ्रेंड। तो आज बना रही हूँ मैं नमक का दलिया। खाली नमक का दलिया नहीं बनाऊँगी फ्रेंड, आलू बैंगन की सब्जी रोटियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि आज गुड़िया की थोड़ी तबीयत ढीली सी है फ्रेंड। तो थोड़ा सा दलिया बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने छोटी वाली गिलासी दलिया ले लिया है, उससे पहले हल्का सा भून लूँगी। 1 चम्मच देसी घी घेर लिया था इसमें, देसी घी घेर के भूनते हैं ना फ्रेंड, बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन गया है लाल लाल। तो मैं निकाल देती हूँ उसमें फटाफट से, ये ना फिर इसमें ही कुकर में छोंक दूँगी, फिर सब्जी भी मुझे इसी कुकर में बनानी है फ्रेंड। तो ये देखिए दलिया भुन चुका है अच्छी तरह से, निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने कुकर कर दिया है खाली। तो चलिए फटाफट से भूनते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो जाएगा, इतने छोंक वगैरह करती हूँ। तो मैंने टमाटर हरी मिर्च आलू वगैरह काट लिए हैं जो जो हमें दलिए में सब्जी गिरनी। और फ्रेंड मेरा लाइटर ख़राब हो गया है तो इसलिए मैंने माचिस रखी हुई है गैस पे। तो चलिए फटाफट से छोंकते हैं दलिया। तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या सब्जी गिरूँगी मैं दलिए में। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका दिखे दलिया। तो सामान जोड़ते हैं सारा दलिया का। तो इस तरह दलिया बनाओगे ना फ्रेंड बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए दलिया रखा है बना हुआ, आलू टमाटर हरी मिर्च। तो ये देखिए रिफाइंड ऑयल गिरूंगी मैं।
तो ये देखिए मैंने एक चमचा रिफाइंड ऑयल गिर दिया, हल्का सा और डालूंगी क्योंकि ये ना अच्छा लगता है, ज़्यादा चिकना चिकना सा दलिया और घी में भुना हुआ है तो और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, अब डालती हूँ मैं इसमें जीरा। तो ये देखिए जीरा डाल दिया, देखिए कितना अच्छी तरह भुना है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कच्चे रिफाइंड में ही जीरा गिर देती है, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह लाल हुआ है। और हींग भी डाल दिया है मैंने, अब इसमें जो कटे हुए टमाटर रखे हैं वो डाल दूँगी फ्रेंड। ऐसे ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा दलिया बनता है फ्रेंड। तो ये देखिए टमाटर डाल दिए थे, अब इसमें हरी मिर्चें लगा दूँगी, दो हरी मिर्चें कट करके रखी हुई है फ्रेंड, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक पहले। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह गल रहे हैं टमाटर। तो नमक डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, सारे मसाले डाल लूँगी फ्रेंड में, और अच्छी तरह से ऐड करके इसे खूब अच्छी तरह से घोट, बिल्कुल मसाला अच्छी तरह से बन जाएगा। उसके बाद जो सब्जियां वगैरह रखी हैं वो सारी इसमें डाल दूँगी मैं। तो ये देखिए हरी मिर्चें डाल दी मैंने, बताया था आपको, दो हरी मिर्चें कट करके रखी हुई है मैंने, और लाल मैंने थोड़ी सी लगाई है क्योंकि गुड़िया को खानी है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो देखिए छोक हो चुका है, तो ये डाल दी है मैंने मटर, मैंने बताया था थोड़ी सी मटर भी लगाऊंगी इसमें, और एक आलू कट करके रखा हुआ है वो भी डालती हूँ। तो ये देखिए आलू भी डाल दिया, और मैंने दलिया फ्रेंड पहले भिगोया नहीं है, क्योंकि अगर मैं भिगो के बनाती हूँ तो मैं टाइम से पहले, जैसे मुझे बनाना होता है तो मैं 1-1.5 घंटे पहले भिगो देती हूँ, और मुझे आज ये साथ के साथ बनाना था, तो मैं इसमें पानी डबल करके गिरूँगी जिससे कि अच्छी तरह फूल के आ जाए दलिया। और ना तो हम भिगो के दलिया बनाते हैं ना, तो फ्रेंड इतना पानी नहीं डालना पड़ता, तो आज मैं साथ के साथ ही बना रही हूँ। तो देखिए साथ के साथ ऐसे बन के आएगा। तो चलिए पानी डालते हैं इसमें, देखिए अभी तो बराबर का पानी हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, क्योंकि इसमें डबल पानी डलेगा क्योंकि ये फुला हुआ नहीं है ना। तो ये देखिए डाल दिया है डबल पानी। तो चलिए चला के करते हैं कुकर बंद, और लगाते हैं 3 सीटी, फिर बन के दलिया तैयार हो जाएगा हमारा। तो इतने मैंने आलू बैंगन टमाटर हरी मिर्चें कट करके रखी हुई है, दूध भी उबलने रख दिया है फ्रेंड। तो चलिए देखिए हमारा दलिया है बन के बिल्कुल रेडी, तो किस तरह का खिला खिला सा, ट्राई करके देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा बनता है ऐसे दलिया। तो चलिए रोटी सब्जी बनाना तैयार करते हैं इतने हम। अगर फ्रेंड आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो ना फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जो नई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड, तो क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी फ्रेंड। तो ये देखिए आलू बैंगन के लिए मैंने अच्छी तरह छोक कर लिया था, दलिया रिता दिया है। तो ये देखिए मैंने आलू बैंगन भी छोक दिए हैं, ये नहीं है कि दलिया दलिया बना लिया है तो दलिया ही खाएंगे, सब हस्बैंड को मेरे दलिया का अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। तो मैं बना रही हूँ आज आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, और दलिया बनाकर रख दिया है, पहले भोग लगा के गुड़िया को दलिया दे दूँगी क्योंकि उसे दवाई भी देनी है। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं आटा वगैरह। ये तो ये देखिए सब्जी सूख चुकी है, इधर मैं इतनी रोटी सेकने में ना, तो ये देखिए आटा लग चुका है, अब करते हैं इधर फटाफट से रोटी सेकनी शुरू, क्योंकि इतने सब्जी बन जाएगी तो इतने में रोटियां बना के रख दूंगी फ्रेंड। तो ये देखिए तवा रख दिया है इस पर, इतने ये गर्म हो जाएगा, मैं आटा सेट कर लूँगी क्योंकि आटा पहले ही लगा के रख दो ना तो ठीक रहता है। तो 5-7 मिनट पहले मैंने आटा लगा दिया था, ये है फ्रेंड, रोक रोक के ही दिखाना पड़ता, नहीं तो वीडियोस फ्रेंड बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरी छोटी सी वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां यहाँ पे हम, क्योंकि जितने जितने रोटियां खाएंगे वो रोटियां खा लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ सारा खाना। तो ये देखिए आलू बैंगन कितनी अच्छी तरह से बनकर आए हैं, और यहाँ रोटियाँ भी बन गई हैं, और ये दलिया भी बन गया है। आ जाइए फ्रेंड जिसे जिसे मेरे घर खाना खाना है, और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय।